आप सब भी जानते होंगे जितनी हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमिटीज है, उनकी मुदत कुछ कुछ म्यूनसिपल कमिटीज की मुदत खत्म हो गई है और कुछ का टेन्योर खत्म होने आ रहा है एज पर रूल्स जो स्पेसिफाई किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एंड एज पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 उसके क्लास 5 के हिसाब से, 13 के हिसाब से, 14 के हिसाब से 6 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिटीज के इलेक्शन के लिए। अब कुछ आदाद शुमार है उससे आपको एक ग्रेविटी जो अभी ग्राउंड पे सिचुएशन है उसकी आपको कुछ खबर पता चलेगी कि लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर डिवीजन के हैं उसमें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसकी मुदत कल के दिन खत्म हो गई। कुपवारा में, बांडीपोरा में, सोपोर में, कुंजर में, पटन में, उड़ी में, बदरगाम में, अनंतनाग अचबल में, डोरू वेरीनाग में, कुलगाम में, दिवसर में, तो आप अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ जो देखेंगे आप नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितनी म्यूनसिपल कमिटीज है या तो उनकी मुदत खत्म हो गई है या मुदत खत्म होने के कगार पे है। जिस तरह बारामूला में देखे, बड़गाम में देखे, बड़गाम, चाड़ोरा, चरारी शरीफ, खान साहब, मागाम, इनकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुदत 12 नवंबर को खत्म हो रही है। हत्ता कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका भी टेन्योर नवंबर 14 को खत्म हो रहा है। मैं ये सवाल अपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से करना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं मिलनी चाहिए? क्या यहां पे लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं करेंगे? जो हमारे लोग हैं आज हर तरफ से मुसीबत में है, लोकल डे टू डे इश्यूज के लिए आप देख रहे हैं डीसी ऑफिसेज जो है ओवर कैपेसिटी हो रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी कतारों में खड़े हैं, तो लोग कहां जाएंगे? इतने सारे जो पीआरआई जो है आपके, अगर उनकी जो मुदत है काम करने की वो खत्म हो जाएगी तो आम लोग किधर जाएंगे? ये सवाल हम एलजी साहब से करना चाहते, हुकूमत हिंद से करना चाहते। आज आप सब लोग जानते हैं 2018 के बाद जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है वो नहीं हुए। 76 लोकल बॉडीज अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर एंड मोर देन 4,500 पंचायत्स विल बी बिरेफ्ट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो आपके 4,500 जो पंचायतें हैं उनमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा। 76 जो हमारी म्यूनिसिपल कमिटीज है उनमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा। जो तो हमारी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर हो या जम्मू हो, जो दो बड़े शहर है जम्मू कश्मीर के, उनके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ये सवाल हम बरसरे इक्तदार जो लोग बैठे हैं उनसे करना चाहते हैं कि आखिर आप जम्मू कश्मीर का क्या बनाना चाहते हैं? व्हाई आर यू प्लेइंग ऑल दीज गेम्स विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आई एम सॉरी टू से वी हैव डिसएग्रीमेंट्स विद बीजेपी, मगर हिंदुस्तान का आईन कहां जाता है? इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार बॉडी है, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुदाखलत नहीं कर सकती है। ये तमाम जो आदाद शुमार है हमने आपके सामने रखे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सेक्शन 14 है वो इस बात को स्पेसिफाई करता है कि ये जो तमाम कमिटीज है, कॉरपोरेशन है, दे विल फंक्शन ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एंड इट इज नॉट एक्सटेंडेबल। उस 5 साल के आगे आप उस मदद को नहीं खींच सकते। यू हैव टू गो बैक टू द पीपल एंड इट विल बी द पीपल्स मैंडेट। लोगों के ऊपर कौन से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नेंस में होंगे इसका फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम करेगी। कोई दिल्ली में बैठी हुकूमत इसका फैसला नहीं कर सकती है। हम अपना एतराज आपके जरिए, इस कौम के जरिए हम ये अपना एतराज दर्ज करते हैं कि जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम इससे डिसेटिस्फाइड है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी वी विल राइट टू द चीफ इलेक्शन कमीशन कि भाई क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? नॉर्म्स के हिसाब से, कानून के हिसाब से, हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से 6 महीने पहले आपको यह एडवर्टाइजमेंट कर रहा था कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन कब होंगे। अब आप देखिए आने वाले दिनों में कितनी सारी कॉरपोरेशन है जिनकी मुदत भी खत्म हो जाएगी। दिसंबर 26 तक तमाम म्यूनिसिपल कमिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर में अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे विल सीज टू एग्जिस्ट। आपके पास कोई श्रीनगर में मेयर नहीं होगा। अब खुदारा मुझे बताइए इस शहर का जो ये हाल है, जगह जगह आपने सड़कें खोद के रखी है, पीने का पानी मुहैया नहीं है, लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए सफर कर रहे, वो कहां जाएंगे? ये सवाल हम दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी की हुकूमत से करना चाहते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करना चाहते और हमारे जम्मू कश्मीर का जो आज भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उससे पूछना चाहते कि आप पंचायत और लोकल बॉडी के इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? जब अगले साल पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा वो तो आप डिफर नहीं कर पाएंगे। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू डिसएनफ्रेंचाइज द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू डिसएम्पावर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आप कितना कमजोर करना चाहते हैं कश्मीरी को? क्या आप हमेशा चाहते हैं कश्मीरी अपने डीसी ऑफिस और आपके एसएसपी और बड़े जो अहदेदार हैं ब्यूरोक्रेसी उनके पीछे पीछे चलते रहे?
जमहूरियत में तो आवाम ताकतवर होती है, आवाम यह फैसला करता है कि बरसरे इक्तदार कुर्सी पे कौन बैठेगा, कौन उसके लिए काम करेगा। तो आप आवाम को डिसएम्पावर क्यों कर रहे हैं? इस बात का हम एहतियाज करते हैं। वी आर रजिस्टरिंग अ प्रोटेस्ट थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर द पीपल ऑफ थ्रू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द गवर्नमेंट राइट नाउ इन इंडिया लेड बाय नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। जस्ट बिकॉज की बीजेपी इलेक्शन नहीं जीत रही है या आपके आरएसएस के जो आपने एजेंट बनाए हैं एबीसी टीम्स वो इलेक्शन नहीं जीत रहे, इसका मतलब आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं करेंगे।